हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स विद अजीम। मैं अजीम आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आपको पता है, हमने इंटीजर्स स्टार्ट किया हुआ है और इंटीजर्स के ऑलमोस्ट 5 to 6 पार्ट हम कर चुके हैं, 5 to 6 लेक्चर हम उसमें कर चुके हैं। और उसमें हमने जो उसके बेसिक्स हैं और जो उसके रूल्स हैं प्लस माइनस के नंबर लाइन्स और जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं इंटीजर्स की, हमने वो पढ़ लिए हैं। और मैं आपको बोलूंगा कि आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। तो आई पर्सनली सजेस्ट यू दैट पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको जो इंटीजर्स के बेसिक हैं वो आपको क्लियर हो जाए और आप देन आप इस वीडियो पे मूव करें ताकि आपको ज्यादा डिफिकल्टी ना हो इंटीजर्स को समझने में। और जो आज का टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने लास्ट वीडियो में कर लिए हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पहले वो वीडियोस देख लें, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देन आप यहाँ पर मूव करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मैथ से रिलेटेड जो भी आपके वीडियोज हैं मेरे वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट होते रहे, आपको मिलते रहे। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और सो स्टार्ट करते हैं, टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर होता है एडिशन, रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन को ही हम एज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर करके जानते हैं। मतलब किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो उसका एक सिंपल सा तरीका यह है कि आप नंबर्स को रिपीटेडली ऐड कर लें। जैसे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 कितने टाइम्स ऐड किया मैंने 2 को? 1 2 3 4 5 6 सिक्स टाइम्स ऐड किया है। तो ऐड करने पर आंसर आया 12। मल्टीप्लीकेशन के अगर फॉर्म में हम इसे लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 × 2 और फिर 2 को मैंने जितने भी टाइम्स ऐड किया है उतने टाइम्स यहां इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 6 × 2 = 12। भाई यही तो बात हुई। आप एडिशन में क्या कर रहे हैं? एक ही नंबर को रिपीटेडली ऐड कर रहे हैं। जब हम रिपीटेडली उसे ऐड कर रहे हैं, जितने भी टाइम्स हम उसे ऐड करेंगे तो आंसर कुछ आएगा। तो मल्टीप्लीकेशन के अगर फॉर्म में हम लिखना चाहेंगे उसी नंबर को तो क्या लिखेंगे कि 2 को मैंने जितने भी टाइम्स ऐड किया है, तो यानी कि मल्टीप्लाई का साइन लगा करके जितने भी टाइम्स ऐड किया मैंने 2 को उतने टाइम्स यहां पर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे? 2 से, यानी कि जिस भी हम इंटीजर को ऐड कर रहे हैं उससे हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 × 2 = 12। तो इसी चीज को यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर यही होता है कि आप किसी भी एक नंबर को जितने भी टाइम्स ऐड करते हैं उस नंबर को मल्टीप्लाई करके साइन लगा करके उतने ही टाइम्स अगर हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब कि जितने भी टाइम्स हम ऐड करेंगे नंबर को उतने ही टाइम्स हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यही होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। बात सुन भाई, अब क्या है कि जैसे हम सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में हमने रूल्स सीखे थे ना, प्लस माइनस वाले, माइनस प्लस वाले, तो उसी से रिलेटेड क्या है कि अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर में वही वैसे ही हमने दो नंबर जो होंगे माइनस के होंगे, एक नंबर माइनस का होगा एक प्लस का होगा, तो उनका मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, उनके आंसर्स कैसे आएंगे, उनके साइन कैसे लगेंगे, वही चीज आज हम सीखने जा रहे हैं। तो इसमें पहली जो सब हेडिंग है मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर, तो मेन हेडिंग है उसमें जो फर्स्ट सब हेडिंग है वो है पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन। पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन। सो एक एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। मान लीजिए 9 × -5 इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, 9 × -5 को हमें मल्टीप्लाई करना है। सो आंसर कैसे आएगा, साइन कौन सा होगा, वो हम कैसे जानेंगे, वो कैसे निकल के आएगा, वही चीज आज हमें सीखनी है। सो नंबर्स को एज अ होल, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब कि 9 × 5 कर लेंगे डायरेक्टली हम। 9 × 5 कितना हो जाएगा? 45। 9 × 5 हो गया 45। सो 45 आंसर आ गया, बट माइनस का साइन होगा या प्लस का साइन होगा वो कैसे डिसाइड होगा? देखिए, जैसे हमने क्या कहते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सीखा था कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब आंसर हमारा माइनस करके आता है और साइन हम वो लगाते हैं जो बड़े नंबर के साथ साइन होता है। ये केस था किसका? एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। बट मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा?
मल्टीप्लीकेशन में हम आंसर निकाल चुके हैं एज अ होल मानकर कि 9 इंटू 5 45 पढ़ लिया है, बट साइन कौन सा आएगा? देखिए ये 9 है प्लस का और 5 मेरा है माइनस का, सो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस जो जो भी आएगा वही उसका आंसर आंसर का साइन हो जाएगा। मतलब प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम पहले माइनस करते थे फिर उसके बाद साइन लगाते थे, बट मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा कि मल्टीप्लीकेशन में प्लस माइनस माइनस हो गया ना तो माइनस का ही साइन आ जाएगा आंसर के साथ, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फर्क होता है कि जब हम साइन का यूज करते हैं एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, और यही डिफरेंस होता है कि जब साइन का यूज हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन में। सो प्लस माइनस माइनस होगा ना तो माइनस का ही साइन आ जाएगा आंसर के साथ, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं इसका, देखिए क्या होगा। एक एग्जांपल क्या होगा कि मान लीजिए आपका एक नंबर है माइनस का 7 इंटू और ये है 4 प्लस का, माइनस का 7 प्लस का 4। सो आंसर आप निकाल लीजिए, आंसर आप एज अ होल मान करके इनका निकाल लीजिए, आंसर आप एज अ होल मान लीजिए। तो 7 4s are 28 आंसर निकाल लिया हमने, और माइनस का साइन आएगा क्यों? क्योंकि माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, सो आंसर के साथ जो साइन आएगा वो आएगा माइनस। सो आंसर हो गया आपका माइनस 28, मतलब कि 7 into 4 is -28। बात समझ में आ गई? तो ये तरीका होता है, मतलब पहली एडिंग हमने क्या डाली थी कि एक इंटीजर मेरा पॉजिटिव होगा, एक इंटीजर मेरा नेगेटिव होगा, उसका आंसर कैसे आएगा और उसका साइन कौन सा होगा। बात समझ में आ गई? सो इन जनरल क्या लिख सकते हैं इसे, एक जनरल फॉर्मूला अगर मैं इसका लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं कि मैं लिख दूं a इंटू बी ऑफ माइनस, a इंटू बी ऑफ माइनस, ठीक है ना। सही से लिख देता हूं कि एक a जो है मेरा माइनस का है, मतलब एक जो इंटीजर है मेरा पॉजिटिव नेगेटिव है और एक इंटीजर मेरा है पॉजिटिव, तो उसका आंसर कैसे आ जाएगा, माइनस ऑफ दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि a इंटू बी, ठीक है, माइनस a इंटू बी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a इंटू बी, यानी कि a इंटू बी को पहले मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और उसके साथ एक साइन लगा दूंगा माइनस का, या आप कैसे भी कर सकते हैं कि माइनस प्लस माइनस होता है इसलिए यहां पे माइनस का साइन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सेकंड प्रॉपर्टी, जो सेकंड हेडिंग डालेंगे आप वो डालेंगे दो नेगेटिव नंबर के लिए कि माइनस का एक है मेरा इंटीजर और दूसरा भी इंटीजर मेरा नेगेटिव ही है, एक इंटीजर नेगेटिव और दूसरा इंटीजर भी नेगेटिव, दोनों इंटीजर मेरे नेगेटिव के हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, उनका जो साइन आएगा वो कैसे आएगा। चलिए एक एग्जांपल के साथ इसे भी समझ लेते हैं। सो माइनस ऑफ 5 इंटू माइनस ऑफ 9, ये दो नंबर है, दोनों नंबर कैसे है, नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव इंटीजर है, तो इनका आंसर और इनका साइन कैसे आएगा। चलिए फिर से वही करना है, पहले हम जो इंटीजर्स हैं उनको एज अ होल मान करके उनका मल्टीप्लीकेशन निकाल लेते हैं। सो 5 9s are 45, सो मल्टीप्लीकेशन आ गया। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता था, प्लस होता था ना, माइनस माइनस प्लस होता था, बट हम जब हम एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में इस चीज को पढ़ रहे थे तो आंसर हम निकाल लेते हैं माइनस माइनस कर करके प्लस करके हम आंसर निकाल लेते थे और साइन जो है माइनस का लगा देते क्योंकि दोनों नंबर हमारे माइनस के होते थे, बट मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा कि माइनस माइनस प्लस होता है ना तो प्लस का ही साइन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है ये बात आप सब जानते हैं, तो जो आंसर के साथ साइन आ जाएगा ना वो भी आपका प्लस का ही हो जाएगा। यहां पर हमें ये नहीं देखना है कि भाई प्लस है या पॉजिटिव या जो हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव है, ये हमें नहीं देखना है, हमें बस ये देखना है कि माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का ही आंसर आ जाएगा। सो प्लस 45 आपका आंसर हो जाएगा, किसके लिए, माइनस 5 और माइनस 9 के लिए। एक एग्जांपल और करते हैं इसका, एक एग्जांपल और कर लेते, पहले इसे देख लीजिए आप सही से, ठीक है ना, ये भी नेगेटिव इंटीजर है, ये भी नेगेटिव इंटीजर है, दोनों को मल्टीप्लाई करा और आंसर आ गया प्लस का 45, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आप ले लीजिए माइनस ऑफ 6
इंटू माइनस ऑफ एट, माइनस सिक्स को माइनस एट से मल्टीप्लाई करना है, आंसर क्या आने वाला है बताइए। चलिए मल्टीप्लाई कर लो, पहले दोनों नंबर को होल मान करके मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा आंसर मल्टीप्लाई करके, एट सिक्स जार एट सिक्स जार, ओके बढ़िया 48, एट सिक्स जार 48, और साइन माइनस माइनस प्लस, सो प्लस का ही साइन लगा दो और कुछ ज्यादा देखना ही नहीं हमें, ठीक है ना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर इज इजियर देन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, उसमें हमें देखना पड़ता था कि भाई पहले आंसर में कैसे निकालू, कि प्लस माइनस करके निकालू आंसर तो प्लस होगा या माइनस होगा, उसके बाद हम साइन लगा देते। इसमें क्या है कि आप पहले मल्टीप्लीकेशन करें, मल्टीप्लीकेशन कर करके आप देख लीजिए कि माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का ही आप साइन लगा दीजिए, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का ही आप साइन लगा दीजिए, आंसर आ गया आपका। सो प्लस 48 आंसर हो जाएगा, प्लस 48 आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार, दोनों नंबर मेरे नेगेटिव, दोनों नंबर नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करा, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो प्लस का 48 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए तो मेनली मल्टीप्लीकेशन में ये दो चीज ही यूज होती है, क्योंकि आप प्लस 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 वालों का करोगे, अगर आप प्लस प्लस वालों का करोगे तो उससे तो इजी कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब 7 इंटू 6 करेंगे, भाई 7 भी मेरा प्लस का है, 6 भी मेरा प्लस का है, तो 7 सिक्स जार कितना होगा बताइए जल्दी से, 7 सिक्स जार 42, और दोनों प्लस का है तो प्लस का ही साइन रहेगा, तो साइन हमें कोई और लगाना ही नहीं है इस पे। सो पॉजिटिव इंटीजर्स को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बट नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर मैंने बताया आपको, नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर बताया आपको, तो उनका करने का तरीका वो होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में तो आप इंटू कर दे सीधा और कोई साइन होगा ही नहीं, भाई ये भी प्लस के हैं, ये भी प्लस का ही आंसर आएगा मेरा, ठीक है। तो ये था मल्टीप्लीकेशन के लिए कि मतलब आप इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उनका आंसर क्या होगा, उनका साइन क्या होगा, ये था उस बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। अब बात आ जाती है प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज की, ठीक है ना। बट प्रॉपर्टी के तरफ बढ़ने से पहले एक चीज और हम देखेंगे, एक फिर से हेडिंग डाल लीजिए, एक सब हेडिंग और डाल लीजिए कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोर देन टू इंटीजर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोर देन टू इंटीजर मतलब जब दो से ज्यादा इंटीजर हो जाएंगे उनका मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, दो से ज्यादा तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, तो उनका मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, ठीक है। अभी तक तो हमने दो का ही देखा ना, तो अभी क्या है कि मोर देन टू, अगर इंटीजर दो से ज्यादा हो जाए तो उनका मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, एक एग्जाम्पल के साथ इसे भी समझेंगे। चलिए लिखते हैं माइनस का टू इंटू माइनस का फोर इंटू माइनस का थ्री, ठीक है। तीनों इंटीजर कैसे हैं नेगेटिव है, तीनों इंटीजर कैसे हैं नेगेटिव है, ठीक है ना। चलिए पहले तीनों इंटीजर को आप एज अ होल मान करके क्या कर ले, आंसर निकाल ले, तीनों इंटीजर को होल नंबर मान करके आंसर निकाल ले। सो टू फोर जार एट, एट थ्री जार 24, ठीक है ना, 2 4 8 8 3 24, आंसर आ गया 24। बट आप कहेंगे कि सर साइन कौन सा लगाए, यहां तो तीन तीन माइनस के साइन है, तो देखिए कैसे लगाएंगे साइन, कि पहले दो नंबर का देखेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इन दोनों से जो मेरा जो साइन निकल के आया वो आया प्लस, इन दोनों से जो साइन निकल के आया वो प्लस आया, एंड में एक माइनस का साइन है, सो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, सो आंसर आ गया माइनस का 24, ठीक है ना।
तीनों जो जो इंटीजर थे मेरे नेगेटिव थे, तो इसलिए माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हुआ। यहाँ पे प्लस होने के बाद एक अकेला इंटीजर माइनस का बचा है ना, सो प्लस माइनस माइनस, सो माइनस का 24 आपका आंसर हो गया। तो ये था कि आप दो या दो से ज्यादा जब हम पे इंटीजर्स होंगे उन्हें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उस चीज को ऐसे करेंगे कि आप जितने भी नंबर्स आपको दिए होंगे, जितने भी नंबर्स दिए होंगे उन सबको आप होल नंबर मानो, उनका मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो, और साइन जो लगाएंगे आंसर के साथ वो कैसे लगाएंगे, वो ऐसे करके लगाएंगे, दो दो करके पेयर बना बना करके उनके आंसर वो निकाल लो, क्या कहते हैं साइन, और साइन जो भी आएगा फाइनली वो आपका आंसर के साथ आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, देखिए लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए 4 × −3 × + 2 × −4, ठीक है, चार नंबर है मेरे पे, चार नंबर है, कौन कौन से, +4 −3 + 2 −4, तो इन सबको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले आंसर निकाल लो होल नंबर मान करके, सो 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, या 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16, ठीक है, और 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6। चलिए ये तरीका थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा समझाने का, देखिए पहले पॉजिटिव वाले इंटीजर को आप इंटू कर लें, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का ही जाएगा, इंटू −3 − 4 −3 − 4, सो 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस, सो प्लस का आंसर आएगा, सो प्लस का 12 भी रहने वाला है, ये प्लस का 12 भी रहने वाला है, सो 12 × 8 = कितना हो जाएगा, 6 × 1 = 8 × 8 = 9, 96, 12 × 8 = 96, सो 4 × 3 × 2 × 4 आंसर हो गया आपका 96। अब साइन कैसे निकालेंगे, ये प्लस का 4, ये माइनस का 3, तो प्लस माइनस माइनस, इन दोनों से मिला माइनस, माइनस प्लस माइनस, यहां से दोनों से प्लस मिल गया माइनस मिल गया, पर यहां पे क्या है, यहां प्लस है, सो माइनस प्लस माइनस, यहां तक हम माइनस तक पहुंच गए, अब माइनस यहां पर है और यहां पे भी माइनस है, सो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया प्लस का 96। बात समझ में आ गई स्टूडेंट, ठीक है ना। साइन कैसे निकाला हमने, साइन देखिए ऐसे निकाला हमने भाई, यहां दोनों से माइनस मिला मुझे, प्लस माइनस माइनस मिला मुझे, अब ये माइनस लेके मैं आगे गया, ये माइनस लेके मैं टू पे गया, टू कैसा है, प्लस का है, सो प्लस माइनस माइनस, अगेन माइनस, टू तक आते 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 मेरे पे माइनस का साइन आ गया, अब माइनस और यहां पे −4 है ऑलरेडी, यहां पे −4 है, सो माइनस माइनस प्लस, तो फाइनल साइन क्या निकला मेरा, प्लस का, सो प्लस का 96 आंसर हो गया मेरा, ठीक है, बात आ गई समझ में, कैसा है प्लस का 96। तो ये चीज थी कि अब जब इंटीजर आपके दो या दो से ज्यादा हो जाए, जब आपके इंटीजर दो या दो से ज्यादा हो जाए उन इंटीजर्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, ये उस चीज का तरीका था, देख लें आप एक बार और नोट डाउन कर लें। चलिए हो गया, ओके, तो ये था मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर मतलब कि प्लस माइनस के इंटीजर कैसे होंगे, उन्हें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, प्लस प्लस के होंगे उन्हें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस माइनस के होंगे उन्हें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो इस चीज को आप अच्छे से समझ गए हैं मैं जानता हूं, ठीक है ना, तो ये तरीका है आपको इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने का, ओके। सो नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो प्रॉपर्टीज है इंटीजर्स की जो हमें मल्टीप्लीकेशन में यूज होने वाली है, जैसे हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन में पढ़ा था। सो नेक्स्ट पार्ट में जो है हम इसके जो प्रॉपर्टी है वो करने वाले हैं। इस पार्ट से रिलेटेड आपका जो भी डाउट है, जो भी आपकी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा मेरे से, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।